अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के राजघाट तक मार्च के दौरान एक युवक ने जामिया इलाके के पास गोली चला दी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। घायल छात्र की पहचान शादाब के तौर पर हुई है। वो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन का छात्र है। छात्र को होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खबरों के मुताबिक गोली चलाने वाला शख्स काफी देर से हाथ में तमंचे के साथ नारेबाजी कर रहा था। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले शख्स ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इसके साथ ही शख्स ने जय श्री राम के नारे भी बार बार लगाए। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर अपना नाम गोपाल बता रहा है, साथ ही खुद को राम भक्त भी बता रहा है। मामले की जांच जारी है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।